OnePlus Nord 2। हाँ गाइज, बहुत ज्यादा इस फोन के बारे में बात हो रही है। कल भी वीडियो बनाया था, आज भी बना रहा हूँ, क्योंकि ये फोन बहुत ज्यादा जल्द लॉन्च होने वाला है। इस वो बात करते हैं इसी स्मार्टफोन के बारे में, कैसा होने वाला है, क्या नई स्पेसिफिकेशन लिखाई है, क्या प्राइस आने होने वाला है। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने कर लीजिए। और आज का वीडियो OnePlus का Nord 2 होने वाला है, ये बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन होने वाला है OnePlus की तरफ से। एंड यहाँ पे बहुत कुछ भी देखने मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे इस फोन की स्पेसिफिकेशन के बारे में। लॉन्च तो ज्यादा तक ये 10 जून को, या शायद OnePlus Nord CE के साथ लॉन्च है तो 25 जून को ही लॉन्च हो सकता है। चलिए बात करता हूँ फाइनली इस फोन की स्पेसिफिकेशन में, डिजाइन में, बिल्ड में अच्छा दिखने मिलने वाला है। OnePlus 9 Pro जैसा कुछ लुक आपको देखने मिल सकता है, जो आई थिंक अच्छी बात है। डिजाइन वाइज आपको अच्छा मिल जाएगा। डिस्प्ले में यहाँ पे आपको जो 6.67 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगा, सुपर एमोलेड होगा, सेंटर पंच होली, साइड पंच होल दी जाए, और यहाँ पे आपको 120 रिफ्रेशिंग रेट भी देखने मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन कर रहे थे कि 120 रिफ्रेशिंग रेट मिलेगा कि नहीं। हाँ गाइस, इसमें 120 रिफ्रेशिंग रेट देखने मिलने वाला है, जो आई थिंक बहुत ज्यादा बढ़िया बात है। आगे चिपसेट बात करते हो, डायमेंसिटी 1200 का चिपसेट मिल जाएगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली चिपसेट वाइज, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस जो वो बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आई थिंक चिपसेट मामले में भी OnePlus ने बहुत ज्यादा बढ़िया काम किया है। कैमरा से मैं बात कर लेता हूँ, तो मेन कैमरा जो होगा वो 64 मेगापिक्सल का होगा, 1.8 अपर्चर का, देन अल्ट्रा वाइड डेप्थ सेंसर, और शायद तीन या तो चार कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल जाने वाले हैं। अच्छी बात है, ओवरऑल अच्छा कैमरा आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं। बैटरी और बात करता हूँ, सॉरी सेल्फी कैमरा पहले बात करता हूँ। सेल्फी में यहाँ पे आपको जो 20 मेगापिक्सल है तो 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल सकती है साइड पंच होल के साथ, तो ओवरऑल वो भी आपका अच्छा काम कर देने वाली है। बैटरी बात कर लेता हूँ फाइनली, 4.5 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, टाइप सी मिल जाएगा, ऑफ 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग देखने मिल सकती है, जो बहुत ज्यादा बढ़िया और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मेरा फेवरेट फीचर होगा अगर ये होता है तो। क्योंकि भाई अगर आप देखते हैं 30,000 रुपये के नीचे ऐसा फोन आपको जो 65 वोल्ट फास्ट चार्जिंग दे देगा दे तो भाई बहुत ज्यादा बढ़िया बात हो जाती है, ठीक है। UI में एंड्रॉइड 11 आपको द बॉक्स मिल जाएगा ना, ऑक्सीजन ओएस रन करने वाला है, जो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात है। प्लस पॉइंट बन जाता है फोन का, तो डेफिनेटली मेरा तो बहुत ही ज्यादा मुझे पसंद है वो OS 1 UI के बाद, एंड्रॉइड के बाद, स्टॉक एंड्रॉइड के बाद, ठीक है। फाइनली ये पूरा OnePlus का Nord 2, बताइए कमेंट करके कैसा लगा। स्पेसिफिकेशन यही है OnePlus Nord 2 की। अब फाइनली मैं बात कर लेता हूँ प्राइस के बारे में, 30,000 रुपये के नीचे होने वाला है। अगर 30,000 रुपये के नीचे देखते हो तो अच्छा लग रहा है, डायमेंसिटी 1200 मिल रहा है, गेमिंग अच्छी हो जाएगी, डिस्प्ले भी अच्छा है, एमोलेड पैनल मिल रहा है, 120 मिल रहा है, अच्छा है, वो भी अच्छा है, कैमराज भी अच्छे हैं, ऑन पेपर अच्छा लग रहा है, बैटरी भी अच्छी लग रही है, फास्ट चार्जिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। लेट्स सी कैसा OnePlus जैसे 30,000 रुपये नीचे लॉन्च कर देता है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़िया फोन होगा और बहुत ज़्यादा चलने वाला है अगर ये 30,000 रुपये नीचे आएगा। मैं अगर ये 30,000 रुपये ऊपर जाता है तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा और OnePlus को शायद थोड़ा सा सेल खराब हो जाए, मगर हाँ अगर ये 30,000 रुपये नीचे आएगा तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा चलने वाला है। OnePlus Nord भी अच्छा था, OnePlus Nord 2 भी अच्छा, हम यही होप करते हैं। और 10 जून को इस ज्यादा तक चांसेस है कि नहीं लॉन्च होगा, 10 जून को Nord CE सिर्फ लॉन्च होने वाला है 5G वाला जो है। Nord 2 जो है गाइस, वो आप लोगों को जो है वो 25 जून को शायद देखने मिल सकता है। तो अगर इंतजार कर रहे थे तो और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि वो 10 को हो रहा है तो ये 25 को होगा। तो लेट्स सी यार, हम तो इंतजार ही कर सकते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग कमेंट कर बताओ कि आप लोग क्या लगता है। अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, कमेंट करके जाओ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। एंड भाई इतनी गर्मी में पंखा बंद है, मगर आप लोगों के लिए वीडियो बन रहा है तो इसलिए भी एक लाइक तो बनता है, कमेंट करके बता देना। और हाँ, 2 दिन से आपका भाई लगातार 3 वीडियो बना रहा है, इसमें भी सपोर्ट करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो नहीं किया है तो, क्योंकि भाई 10,000 जल्द से जल्द पहुँच रहे हैं, तो फिर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सपोर्ट किया करो, इतना मेहनत जब करते हैं क्रिएटर तो भाई फिर सपोर्ट भी आप लोगों को करना चाहिए। बताइए कमेंट करके OnePlus Nord 2 के बारे में क्या लगता है, क्या राय है, और लेने वाले हो कि नहीं लेने वाले हो, कि सिर्फ देख रहे हो, कि OnePlus Nord CE लेने वाले हो, कौन सा लेने वाले हो, क्या इन दोनों फोन में से कोई लेने वाले हो, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, या कोई लेने वाला है आप लोग का भाई या दोस्त, बताना कमेंट करके। और बस इतना ही कहूँगा, अच्छा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि 3.5 mm जैक मिलेगा कि नहीं, क्योंकि यार ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, मतलब आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा आज मेन फीचर हो गया है, क्योंकि भाई बहुत सारे लोग TWS नहीं लेते हैं, और भाई TWS में थोड़ा सा ना वो भी रहता है यार, कभी ख़राब हो जाता है तो बार बार जाना पड़ता है सब सेक्टर, तो वो भी बहुत दिमाग ख़राब होता है, इसलिए भाई वाइड ज़्यादा तक अच्छे रहते हैं भाई। मैं वैसे प्रेफर, मेरे पास भी TWS है, बट यार क्या कर सकते हैं, कभी कभी अच्छा हो जाता है, कभी कभी ख़राब भी हो जाता है, तो ठीक है। कमेंट करके आप लोग अपनी राय बता सकते हैं मुझे, क्या 3.5 mm जैक होने वाला है, अभी किसी कोई खत्म खबर नहीं आई है, बट लेट्स सी, शायद ना मिले, ज़्यादा तक चांसेस यही है। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिएगा। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।